आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के पार्ट फोर्थ में, पार्ट थर्ड तक आप जरूर देखें। उनमें मैं पहले ही 6 पैटर्न डिस्कस कर चुका हूं, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में एंड वाइस वर्सा, हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव सेंटेंस या हाउ टू ट्रांसफॉर्म नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूं। आज अपन पैटर्न नंबर 7 की बात करेंगे, जो है आपका डिग्री कन्वर्जन। देखो जी, डिग्री कन्वर्जन के सारे किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात आज होगी। देखो जरा, देखो अगर कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में है वो आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को मैं प्लस से लिख देता हूँ। कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री का है, अफर्मेटिव है, अगर उसको आपको नेगेटिव बनाना है तो उसको आपको बदलना पड़ेगा कंपेरेटिव डिग्री में। ये आपका पहला पैटर्न है। अगर देख लीजिए, उल्टा कह दीजिए, अगर कंपेरेटिव डिग्री में आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में कैसा हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव बन जाएगा। वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री में अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव डिग्री में आपका वो बन जाएगा नेगेटिव, और अगर आपका पॉजिटिव डिग्री में वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर उसको नेगेटिव बनाने के लिए आप किस में भी बदल सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री में भी बदल सकते हो। ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि आपको वो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलवाने के लिए कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करता है। ये आपके पास बोर्ड पे मैंने 4 पैटर्न लिख रखे हैं, मैं आपको सिखाऊंगा आज किस तरह से आप पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेज को सुपरलेटिव में बदलेंगे, क्या होती है स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेज की, क्या होती है स्ट्रक्चर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेज की, वीडियो के आगे के भाग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे 3 तरह की डिग्री, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव। देखो दोस्तों, कोई भी वर्ड जो आपका इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव होता है या फिर एडवर्ब होता है, उसकी 3 डिग्री पॉसिबल होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपेरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स जिनकी पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री डिस्कस करूंगा। मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरह से सेंटेंस को पॉजिटिव, कंपेरेटिव और वर्ड्स को पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में बदला जाता है, किस तरह से सेंटेंसेज को पॉजिटिव से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में बदला जाता है, पूरा वीडियो ये देखो जी। यानी अगर आपके पास यहाँ से आपको इतनी चीज़ समझ आ रही होगी, किसी भी वर्ड को अगर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में बदलना है तो 3 में से एक किसी पॉसिबल तरीके से बदला जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, खासतौर से ये 2 वर्ड्स जिनके कंपेरेटिव और सुपरलेटिव आपको याद रख के चलनी पड़ेंगी, इस तरह से बनती हैं गुड और बैड की। उसके बाद आपका कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके आगे ER लगाओगे तो कंपेरेटिव, EST लगाओगे तो सुपरलेटिव बन जाएगी, 6ठी 8वीं से पढ़ते आ रहे हो टॉपिक को आप। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाता है, कंपेरेटिव डिग्री में आपका मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री में हो जाता है आपका मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये था, मैंने आपको कुछ वर्ड्स का डिग्री इसलिए बताया है क्योंकि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करोगे तो बार बार जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री में बदलोगे तो आपको कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आना जरूरी है या फिर कंपेरेटिव डिग्री की एडवर्ब आनी जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कंपेरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव और एडवर्ब्स क्या क्या होते हैं होगी। मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूँ एक खास समरी, आइए देखते हैं मेरे साथ। देखो, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो कैसे पहचानना होगा, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आपको प्रयोग मिल सकता है सो का, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में आपको प्रयोग मिल सकता है एज का। अब भैया एक बात खास ध्यान रखें, एक सब्जेक्ट आपका हमेशा रहेगा सो एज से पहले और एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रहेगा आपका सो एज के बाद में। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस है, वो सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें प्रयोग किया जाएगा सो का। ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव है उसमें यूज किया जाएगा आपके एजेज का। लेकिन यहां जो खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि एजेज का प्रयोग पॉजिटिव में भी किया जा सकता है और आपके नेगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है। दोनों तरह के सेंटेंस में आप एजेज का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सो का प्रयोग आप केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही कर पाएंगे। एक बात, अच्छा जी, कई बार आप कंपैरिजन करते हुए ये पाएंगे कि यहाँ आपको केवल एक ही तरफ सब्जेक्ट मिल रहा है, जबकि ये पहली शर्त है कि सब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव डिग्री में दोनों तरफ होने चाहिए। जब कभी भी सब्जेक्ट की कमी पड़े तो एक सब्जेक्ट आपका काम में लिया जाता है, नो अदर, और नो अदर वाला सब्जेक्ट हमेशा सो या एज से पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रख लीजिए, और इधर दूसरा सब्जेक्ट आएगा। ये आप तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, नो अदर है वाला सब्जेक्ट है, ये नो अदर सब्जेक्ट का काम करेगा, ये सो एज एज से पहले लिखा जाएगा।
बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? कंपैरेटिव डिग्री में आपको एक सब्जेक्ट इधर मिलेगा, दूसरा सब उसके बाद एक कंपैरेटिव वर्ड देन मिलेगा, और देन के बाद आपको काम में लेना है दूसरा सब्जेक्ट। पहला तरीका यह है। दूसरा देखो, अगर आपको देन के बाद किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी तो देन के बाद वो सब्जेक्ट आपका होगा एनी अदर, और ध्यान रखें एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। कई बार आपको देन के बाद मिलेगा मोस्ट अदर, मोस्ट अदर के बाद ध्यान रखें हमेशा नाउन आपकी कैसी आनी है, प्लूरल नाउन आनी। केवल इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। इधर सोएज एजेज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में, देन का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री में। देन के बाद अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है अच्छी बात है, अगर सब्जेक्ट कम पड़ता है तो आप एनी अदर काम में ले लीजिए या मोस्ट अदर काम में ले लीजिए। एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर, जबकि मोस्ट अदर के बाद नाउन है प्लूरल आएगी, ये ध्यान रख लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिए हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर दीजिए, एक बात। दूसरा बात ये ध्यान रखना है, यहाँ आपको केवल एक सब्जेक्ट मिलेगा तो सुपरलेटिव डिग्री में एक सब्जेक्ट से भी काम चल सकता है, तो नो अदर या एनी अदर जैसे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेंटेंस में आगे कई बार ऑफ ऑल की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना है आपको इधर आप अदर खा नहीं सकते, और ऑफ ऑल के बाद कभी भी आपको अदर का प्रयोग करना नहीं है। ये खास चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। मैं एक बार वापस से रिकैप ले लेता हूँ। इधर सोएज एजेज, सोएज नेगेटिव में, एजेज दोनों तरह के सेंटेंस में, नो अदर सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होगा। इधर देन के बाद एनी अदर या मोस्ट अदर सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होंगे, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन। सुपरलेटिव डिग्री में द लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, और अगर ऑफ ऑल आ जाता है तो उसके बाद आपको अदर का प्रयोग नहीं करना है। ये था बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ये स्ट्रक्चर्स आप ध्यान में रखना, बहुत आसानी से अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ पाएंगे। देखो इस पार्ट में अपन डिग्री कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। एक डिग्री को अगर दूसरी डिग्री में बदल दिया जाए, यानी पॉजिटिव को कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में बदल दिया जाए, तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। कई बार सेंटेंस अफर्मेटिव होता है नेगेटिव में बदल जाता है, कई बार सेंटेंस नेगेटिव होता है अफर्मेटिव में बदल जाते हैं। स्लाइड के शुरू में मैंने आपको दिखाया है किस तरह से डिग्री बदलनी होती है आपको। अब आपको बेसिक ये ध्यान रखना होगा कौन सी डिग्री में सोएज आता है, कौन सी में एजेज आता है, कौन सी में नो अदर आता है, कहाँ आपका अदर एनी अदर आता है, कहाँ मोस्ट अदर आता है, ये कुछ बेसिक्स ध्यान रखिए। आइए डिस्कस करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है रवि इज एज टॉल एज आई, रवि भी उतना ही लंबा है जितना कौन है, मैं हूँ। यानी यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है कि रवि की हाइट है वो किसके बराबर है, मेरी हाइट के बराबर। और सेंटेंस भले ही नेगेटिव बदल जाए मैं बदल जाए, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो नेगेटिव सेंटेंस वाला सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में लिखा जाएगा। देखो जरा किस किस का कंपेरिजन हो रहा है, आई और रवि का। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ या मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इसकी बजाय रवि की बजाय मैं रवि से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, यानी मैं और रवि दोनों बराबर दर्जे के हैं। ज़रा देखना क्या किया है। अब इसमें रट्टा ये नहीं लगाना है कि आई को उठा के इधर लाइए, उसको उठाकर उधर ले जाइए, क्यों करना भाई। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को बदलना है अगर नेगेटिव में तो कंपेरेटिव में बनेगा। दूसरा देखो कंपेरेटिव के बेसिक फीचर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। देन के बाद एक सब्जेक्ट होना चाहिए, है जी, शुरू में एक सब्जेक्ट है। अब मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो आई एम मोर इंटेलिजेंट लिख दो, सेंटेंस कह रहा है मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, दोनों बराबर हैं, तो आई एम नॉट मोर इंटेलिजेंट लिख दो, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन गया। आगे आ जाओ जरा, मैंने लिखा रवि इज नॉट एज टॉल एज मुकेश, रवि उतना लंबा नहीं है जितना कौन है, मुकेश है। यहाँ से बताओ रवि ज़्यादा लंबा है या मुकेश ज़्यादा लंबा है, जरा बोल के बताना। सीधी सी बात है, ये कह रहा है रवि उतना लंबा नहीं है जितना मुकेश है, यानी मुकेश ज़्यादा लंबा है। यानी मुझे कहना क्या भैया, मुकेश रवि से ज़्यादा लंबा है, तो क्या कह दूंगा मैं बताओ जरा। मैं कह दूंगा मुकेश इज ए टॉलर, मुकेश लंबा है, कंपेरेटिव डिग्री में क्या बन जाता है, टॉलर। देन किससे, किससे लंबा है, रवि से। ये लो जी, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा बाबा,
आपको पता है ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री में देन होता है, उसके दोनों तरफ सब्जेक्ट्स होते हैं, केवल इतना ही तो डिस्कस करना, ये बेसिक चीज़ें हैं। रट्टा लगाओगे तो दिमाग में कचरा भरता ही चला जाएगा। आगे बढ़ो जरा। मैंने लिखा ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वह भी उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कौन है, मैं हूँ, यानी ही और आई दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ भाई, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ किसे, ही से। कंपेरेटिव बना दीजिए, क्या कह दोगे, आई एम ए नॉट मोर स्ट्रॉन्ग, नहीं कहना आपको स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर बन जाता है, आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन ए किसे, ही से। अब देखो तो कुछ बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शंस में। देखो भाई, आई सब्जेक्टिव केस में है और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ ही होना है। आई का कंपैरिजन हिम से नहीं हो सकता, ही से ही होगा। आई का कंपैरिजन हर से नहीं हो सकता, सी से ही होगा, क्योंकि आपने प्रोनाउन की टेबल में पढ़ा होगा आई माई मी सी हर हर। तो यहाँ जो पहली लाइन है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से ही होता है, ये जरा ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने कहा ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव में बनाना, जरा बना दीजिए। कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, ही ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे, आई से। इस बात को आप कैसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना कौन है, हू। अगर हम दोनों बराबर होते तो आप इसको ऐसे कह देते, आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही, इसमें तो दोनों बराबर हो गए और पता चला कि भैया मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना ही है, यानी मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, तो यहाँ लिख दो आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट। ये लो जी, ये नेगेटिव भी बन गया। आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको डिग्री कन्वर्जन आना चाहिए जहाँ मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। डिग्री कन्वर्जन में नो अदर कौन सी डिग्री में आता है, एनी अदर कौन सी में आता है, सो एज एज कौन सी में आता है, देन कौन सी में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आ जाओ जरा। आपने लिखा अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका है वो वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कंट्री है, यानी अब इसका दो बन सकता है, एक तो कंपेरेटिव बन सकता है और एक आपका बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री। लेकिन क्या कंपेरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो क्या सेंटेंस नेगेटिव हो पाएगा, जरा देख लेते हैं। कंपेरेटिव में तो एक ही सब्जेक्ट है तो दूसरा सब्जेक्ट एनी अदर लेना पड़ेगा, बात हो चुकी है अपनी पहली। क्या लिखोगे, अमेरिका इज ए रिच रिचर रिचेस्ट रिचर देने, अब एनी अदर आ जाएगा, एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सेंटेंस तो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव रह गया भाई, यानी किस डिग्री में बदलना पड़ेगा इसको, पॉजिटिव डिग्री में। अब पॉजिटिव डिग्री में मैंने बताया आपको सब्जेक्ट जब एक हो तो नो अदर काम में ले लेते हैं, नो अदर को पहले काम में लेंगे या बाद में, ये भी बात हो चुकी है अपनी। नो अदर को सेंटेंस में शुरू में काम में लेंगे, जरा लिख दीजिए फटाफट से, क्या लिख दोगे, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। हेलो जी, नेक्स्ट देखिए जरा, ये फिर नो अदर आ गया, यानी सेंटेंस नेगेटिव है आपका। नो अदर बॉलर इन इंडिया इज एज फास्ट एज जहीर खान, कोई भी बॉलर उतना फास्ट नहीं है जितना कौन है भाई, जहीर खान है। अब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट है तो उसको कंपेरेटिव में बना सकते हो और सुपरलेटिव में बना सकते हो, दोनों ही सही होंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस बनेंगे। देखो कैसे, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ जहीर खान इज ए फास्टर देने एनी अदर बॉलर इन इंडिया, एनी अदर बॉलर इन इंडिया। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं जहीर खान इज द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया, ये भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल हैं। जहीर खान इज द फास्टेस्ट बॉलर इन इंडिया, एक ही सब्जेक्ट चाहिए होता है भैया सुपरलेटिव डिग्री में, साथ ही साथ एक सब्जेक्ट होता है उसको पहले ले लिया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल द काम में ले लिया जाता है। यही तो बातें हो रही हैं जो बेसिक्स है, उनसे एग्जाम्पल्स को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ बात करते हैं। मैंने कहा नो अदर एनिमल इज एज फेरोशियस एज द टाइगर, कोई भी एनिमल है वो इतना भयानक नहीं होता जितना कौन है जी,
टाइगर है, ये क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ टाइगर है वो सब जानवरों से ज़्यादा भयानक है, तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। मैं कहूँ टाइगर किसी भी अन्य एनिमल से ज़्यादा भयंकर है, तो फिर ये आपकी कंपेरेटिव हो जाएगी। दोनों ही बन सकती हैं, बना दीजिए ज़रा, बोलो क्या लिखोगे। द टाइगर इज ए द मोस्ट फेरोसियस ए ऑफ ऑल एनिमल्स। अब जरा ध्यान रखना, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ ऑफ ऑल लिखो, तो उसके बाद अदर का प्रयोग नहीं करना आपको, केवल इतने लिखना ऑफ ऑल एनिमल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा, इसको ऐसे एनी अदर से भी बना सकते हो आप। मैंने कहा द टाइगर इज ए मोर फेरोसियस ए देन एनी अदर एनिमल। एनी अदर एनिमल्स नहीं होगा भैया, एनी अदर एनिमल होगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ एनी अदर के बाद नाउन आपकी है वो सिंगुलर होगी। आगे बढ़ो जरा, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप टूट के पढ़ते हो, आपका तो बढ़ा हुआ भैया ग्रेटेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है, चेंज करोगे तो पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो आप इसको देखो ऐसे बनाने की भूल करते हैं, आप इसको ऐसे लिख देते हैं नो अदर किंग इज ए एज ग्रेट एज अशोका, है ना जी। सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, आपको पता था पहले से, बदल दिया आपने। तो देखो जरा क्या कहा है, कोई भी एनिमल है वो इतना कोई भी ये कह रहा है अशोक है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स था, यानी जो जितने भी महान राजा हुए थे उनमें से एक अशोक था। यहाँ तुम कह रहे हो नो अदर किंग इज एज ग्रेट एज अशोका, कोई भी किंग ऐसा था ही नहीं जो अशोका की मुकाबला कर सके, ऐसा तो नहीं है ना, यानी बात आपकी गलत हो गई। अब आप क्या करोगे नो अदर की जगह, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ बहुत कम राजा ऐसे थे जो उतने ग्रेट थे जितने कौन थे अशोका, और बहुत कम के लिए वर्ड जो था वेरी फ्यू। जरा नो अदर को रिप्लेस कर दीजिए किससे, वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के बाद फ्यू एक डिटरमाइनर है जिसके बाद नाउन प्लूरल आती है, फ्यू स्टूडेंट्स कहते हो, वेरी फ्यू किंग नहीं भैया, वेरी फ्यू किंग्स। अब किंग्स आ गए तो आर आएगा, आर एज ग्रेट एम एज अशोका। देखो भाई रट्टे नहीं लगाने, आपको बेसिक्स के साथ जाना है, बेसिक्स के साथ जाओगे तो कहीं भी गाड़ी उलझेगी नहीं। आपका यहाँ अर्थ परिवर्तन हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर अर्थ परिवर्तन नहीं लाना है तो वेरी फ्यू किंग से लाइए, और वेरी फ्यू लिख दिया तो नाउन प्लूरल आएगी, अगर नाउन प्लूरल आई तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल आएगी, और बाकी तो सारा वही है ही ताम झाम जो तुम्हें आता है। तो ये था अपना डिग्री कन्वर्जन, इज ग्रेटर देन ऑल अदर पोएट्स इन संस्कृत। कालिदास भैया बाकी सभी पोएट से बेहतर है, तो ऑल अदर आ गए यानी सारे आ गए इधर, ठीक है भाई। अब देख कुछ लोग कहेंगे सर आपने कहा था ऑल के बाद अदर नहीं आएगा, भैया सुपरलेटिव डिग्री की बात थी, ये कंपेरेटिव डिग्री है। क्या लिखोगे, नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास, एक तो ये लिख दीजिए, नो अदर पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास, ये नेगेटिव बन गया। अच्छा अब देखो किस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं, इधर अगर देन मोस्ट अदर होता, मोस्ट अदर से सबसे तो नहीं है, मोस्ट अदर से है तो इधर वेरी फ्यू आ जाता, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज ए कालिदास इन संस्कृत हो जाता। ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना है डिग्री कन्वर्जन में कभी भी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट अदर का अर्थ क्या होता है, सम अदर का अर्थ क्या होता है, एनी अदर का अर्थ क्या होता है, ऑल अदर का अर्थ क्या होता है, ये आप कंटेक्स्ट को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर कंटेंट पसंद आ जाए तो आप उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइए आपको कंटेंट कैसा लगा, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का केवल पहला भाग पूरा हुआ है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अभी अपने को अफर्मेटिव या असरेटिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू असरेटिव और असरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी और पढ़ना है। मेरे आगे की सीरीज में आप देख पाएंगे ये सारे के सारे वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ML चौधरी ST ट्यूटोरियल से।